वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ये मंजर उत्तराखंड के चमोली का है। नंदा देवी में नेशनल पार्क के पास ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है। रैनी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, जिससे भयंकर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्लेशियर टूटने को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एनआई को बताया कि बाढ़ में 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका है। इसमें कई मजदूर भी शामिल हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदियों से दूरी बनाकर रखें। ग्लेशियर टूटने के बाद सभी संबंधित जिलों को अलर्ट पर किया गया है। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं उत्तराखंड की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा हूं। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषि गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। अगर आप प्रभावित एरिया में फंसे हैं या आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर के नंबर 1070 या 9557 4x4 86 पर संपर्क कर सकते हैं और इस मुश्किल वक्त में प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं।